अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जाने तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है दशा मानु व्रत डे 7 गुजराती व्लॉग। तो देखते हैं आज की वीडियो पे क्या। તો હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે છે દશામાના વ્રતનો 7મો દિવસ અને આજે તો હું વહેલી ઉઠીને નહીં ધોઈને રેડી પણ થઈ ગઈ, કારણ કે પૂજાબેનને જવાનું હતું મહિનાવાળા, અહીંયા અમારે ત્યાંથી લક્ઝરી ઉપાડવાની, એમાં એ રહ્યા જવાના। અમને કીધું હતું પણ અમારે નહોતું જવું, તો એ રહ્યા ક્યાં ગયા ખબર નહીં એક્ટિવા લઈને। એ આવે ત્યાં સુધી હું આરતીની તૈયારી કરી દઉં। એમનો વહેલો ફોન આવ્યો તો કે ઉઠજો, મારે બહાર જવાનું હોય કે આપણે પૂજા કરી લઈએ। તો આજે હું વહેલી નહીં ધોઈને રેડી થઈ ગઈ, તો એ આવે ત્યાં સુધી આપણે માતાજીની આરતીને હું તૈયાર કરી દઈએ। અહીં જુઓ, આમ પપ્પા ઊંઘી રહ્યા હોય જુદો, તો ચાલો એ આવે ત્યાં સુધી માતાજીનો હાર બદલી કાઢીએ, આરતીની તૈયારી કરી નાખીએ। તો પૂજાબેન અહીં આવી ગયા, હવે અમે આરતી કરી લઈએ। તો હવે નહી ના, કેટલા વાગ્યા જો મુકાઈ ને નોકરી નહી તો અલે આ બગાડ હવે ના કાઢશો ને પરોણી મારા બે શર્ટ કાઢીને મૂકી દીધે, આમ પા પહેરતા નહીં ના, જો આ લોચો હોય ભાઈ એવો ને એવો કબાટ માં મૂકી દે, એમ કરીને પહેરાતું હોત તો સારું જતું ને। અરે ના પહેરજા કે આજ પહેરી ગયા એ નહીં સારું લાગતું, નહીં લાગતું બેટા, આ મમ્મી કે પહેરજે, તું ગાંઠિયા ખાઈ લે ચાલ ચાલ જા, કે મમ્મી કે પહેર દે, મમ્મી કે પહેર દે સર, સાડી પહેરી ફરવા ગઈ, યુવાન યુવાન ભાઈ યુવાન પૂછે વા, દૂધ દૂધ પાણી નું પાણી થઈ જાય, પૂછું યુવાન ને બોલ યુવાન, અરે આ ચાહી આવી લે, એ યુવાન યુવાન અહીં દેખ, હવે યુવાન તાર મમ્મી જાડી, હા ઓ વગે આ દેખે હવે આખી બતાવે તો ખબર જાડી પાતરી નોર્મલ જાડી હતું બસ પાછી તો બોડી બની ગઈ, जनाब आपने देखा गुजरात में दशा माँ के रोज़े त्यौहार ये किस तरीके से मनाए जाते हैं, इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मनाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये दशा माँ के हाँ ये रोज़े का ख्याल रखते हैं और मनाते हैं, और मेरे ख्याल से वो ये वाड़ियों वाला जो होता है ये वो है नहीं, जो नहीं, रात नहीं, को निकलते हैं, नहीं वो अलग है,
वो तो जैसे कि नवरात्रि में होता है ना, नवरात्रि में अभी तो दशा माँ का व्रत है ना, ये खास कर लेकिन ये जो नेटी चेटी के पुल पर जो ले जाते हैं ये भी नेटी चेटी में दशा माँ का जाता है। अच्छा। ये पहले लोगों को इतनी मतलब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, इसकी पीछे एक हिस्ट्री थी कि ये किसी को इतना मालूम नहीं थी। ये जो मेघवंशी कौम है ना, मेघवंशी पहले ये वो निकालते थे जिसे महेश्वरी कहते पहले, अब सही लगते मेघवंशी। अच्छा, अब ये क्या उनको वो लोग निकाल देते छोटा छोटा छोटा, फिर लोगों को अवेयरनेस हुई करते 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 ये जैसे कि अब पूरी हिंदू कम्युनिटी है ना एक बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े मतलब के प्रसाद करना, लंगर जितने होते हैं बड़े बड़े, और बहुत सारे मंदिर सजाए जाते हैं, और बहुत सारी जितनी भी औरतें हैं ना ये व्रत रखती है। अच्छा। मर्द लेकिन मैं ये कहना चाह रही जो मंदिर सजाए जाते हैं तो वो दशा माँ के मंदिर या वो सारे दशा माँ का जैसे के टेंपल नहीं, दशा माँ के तो जैसे मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियाँ होती है ना, तो उसमें दशा माँ दरअसल बोलते हैं मोमई माँ को, ऊंट में जिसकी सवारी होती है उसको बोलते हैं ना दशा माँ, तो उनका ये व्रत है। अब दशा माँ की कोई हिस्ट्री होगी मैं मतलब सही से जानता नहीं हूँ, क्योंकि औरतों को ज्यादातर इसकी हिस्ट्री पता होती है। अच्छा, इनका घर मैं मतलब उसके बारे में पता नहीं है, तो इनके घर बड़ा अच्छा लग रहा था, साफ सुथरा व्यू भी अच्छा लग रहा, और मुझे लग रहा था कोई गांव टाइप का इलाका है, बाहर खेती बाड़ी थी। लास्ट में हम उनकी बाइक देखी तो हम शौक हो गए, ये बाइक पाकिस्तान में लड़कों का क्रश होता है, बिल्कुल हैवी बाइक, और बहुत ही ज्यादा कोई हाई फाई फैमिली हो तो उनके पास ये बाइक होती है। मेरे भाइयों का भी क्रश है ना, लेकिन नॉर्मल जो है ये नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास लग रही है। अच्छा, इंडिया में जो हमारे यहाँ CD70 है ना खलास, वही नहीं वहाँ पे, और यहाँ पर इतनी कॉमन है, यहाँ पर इस बाइक को सादी तरीन बाइक कहते हैं, यानी बोलते हैं इसकी तो कुछ है ही नहीं, CD70 70 cc उनके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ बहुत हैवी बाइकें यूज होती है, नॉर्मल डिज़ाइन बहते हैं। बाकी इन दोनों की जैसे स्टार्ट में व्लॉग शुरू हुआ तो हम तो गुजराती में थे, तो हम शायद समझ रहे थे कि कोई छोटा भाई है, क्या है, देवर है या क्या बात है, पता चला कम उम्र की शादी, टीनेज जैसे वो यंग कहेंगे और, दोनों, और हो सकता है कि इतनी कम उम्र की शादी हो तो कहीं ना कहीं उसमें लव स्टोरी छुपी होती है। यस, ये जल्दी से कर लो वरना कोई और नॉलेज। और ये जो औरत है असल में देखो ज्यादातर जो एक होते हैं ना कम्युनिटी गुजराती और काठियावाड़ी और मेघवंशी, इसमें बहुत तीन जैसे बाकी जैसे मराठी भी है, ठीक है, तमिलनाडु है, कितने एक वाणिया फैमिली बंगाली है, लेकिन ये जो गुजराती है ना, गुजराती हो गए, काठियावाड़ी जमात हो गई, काठियावाड़ी हो गए या मेघवंशी, ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वाणिया रखते हैं, ये वाणिया भी रखते हैं बहुत धूमधाम से, मतलब ज्यादा सीरियत में एक मतलब हमारे यहाँ पे मारवाड़ी की पूरी कॉलोनी है, तो वहाँ पर अक्सर देखा है कि शादी जो इनकी हो रही होती है तो मतलब वाकई पता चलता है कि वाकई इनकी शादी हो रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। तो यकीनन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसी तरह की मजे की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए आपको चाहते इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हनी तुम इतना दूर हो गए, तुम्हें हाथ भी मारने को